हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस अभी अपना करंट रैंकिंग हो चुका है 25,000 प्लस और फिर से हम लोग कम बैक कर चुके हैं रीजन पुशिंग के लिए और बहुत जल्द हमारा रीजन भी लगने वाला है। बाकी गाइस सोलो विंस के अंदर अभी मैं टॉप 2 नंबर पोजीशन पे चल रहा हूँ और मेरा भुया हो चुका है 569। यहाँ पे देखो गाइस मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा वेपन टाइटल कलेक्ट किया है और सीजन एंड होने तक देखते हैं कितना ज्यादा कलेक्ट कर पाएंगे। अभी के टाइम पे तो बस इंडिया का 3 ही टाइटल है और गाइस M10 के अंदर हम इंडिया में टॉप 2 पोजीशन कर चुके हैं। अब टॉप 1 पोजीशन तो हम कर नहीं सकते, अब क्यों नहीं कर सकते बाकी तो आप समझदार ही हो। तो यार चलो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये था मेरा पहला मैच और अभी के टाइम पे देखो मेरा बस 3 किल था, अभी भी 7 बंदे अलाइव थे। ये बंदा मेरे को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया, मैं इधर से आके उसको भी बराबर डैमेज दे दिया। भाई देखो ईगो हर्ट हो जाता है, तो भाई उसने इतना डैमेज दिया तो भाई हम भी तो देंगे ही ना। अब उसको डैमेज देने के बाद मेरा एचपी तो रिकवर हो गया, वो बंदा एचपी रिकवर कर रहा था। अब इधर के साइड जैसे ही मेरे ऊपर रश करता है इसका ग्लोल में फोड़ने लगता हूँ, बंदा इधर के साइड आ गया। अब मेरे को M10 तो मिला नहीं था लेकिन मेरे को MP40 मिला था। अब इसको मैं डैमेज देने लगा, बंदा आगे भागने लगा। अब सीमेंटेड हाउस के अंदर उसको जाने का प्लान था मेरे को जितना तक लग रहा था, तो मैं इधर के साइड आ गया। एंड ये बंदा मेरा ग्लोल फोर्ट है तो मैं पीछे थोड़ा बैकअप लेता हूँ क्योंकि अभी भी बहुत बंदे अलाइव थे और मेरे को बुया मिस नहीं करना था। अब ये बंदा भाई जो मैं सोचा था वही हुआ, सीमेंटेड हाउस में चला आता है। अब ये बंदा जहाँ पे ग्लोल लगाया था वहाँ पे मैं जाके देखूंगा सोचा था, लेकिन ना जैसे जोन आने लगा इधर आ गया। अब भाई सामने में दो बंदे फाइट करने लगे एक दूसरे के साथ। अब मैं यहाँ पे आराम से आके थरपाटी करके 1 किल उठा लेता हूँ और जल्दी से गाड़ी उठा के इधर के साइड आ जाता हूँ। अब भाई मेरे को ना घूम के बस जाना था, मेरे को लास्ट राउंड में ना किल निकालना नहीं है भाई, बस मेरे को बुया निकालना होता है। अब इधर से मैं घूम के आता हूँ और यहाँ पे रुक जाता हूँ, थोड़ा होल्ड करता हूँ, बंदा का लोकेशन देखता हूँ। एंड यहाँ पे फाइट हो रहा था दो बंदों का, तो भाई मैं इधर के साइड आ जाता हूँ और जल्दी से ना छुप के पीछे से जाता हूँ। ये वही बंदा था जिसके साथ मेरा ऊपर में फाइट हुआ था आर्सेनल के पास, लेकिन दूसरा बंदा को तो मैं मारा था, ये बंदा वहां से बच गया था। अब पीछे से आके ना मैं छुप के इसको यहाँ पे ना डैमेज करता हूँ। एंड बहुत डैमेज देने के बाद बंदा ग्लोल लगा लेता है। अब भाई मैं इसका ग्लोल जल्दी से फोड़ के इसको डाउन किया और पूरा फिनिश करने के लिए भटाभट मार दिया। अब दूसरा बंदा यहाँ पे मेरे ऊपर फायर देता है, देखो कितना ज्यादा मेरे को डैमेज कर देता है। मैं भी ना इसको अच्छा खासा डैमेज दिया था, जल्दी से बड़ा वाला मेडिकेट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। भाई आज तो मैं मरते मरते बचा और मौका नहीं दूंगा भाई, मैं खुद बोलता हूँ यार कवर टू कवर फाइट लो, लेकिन यार क्या बोलूं, एक एक बार ज्यादा गेम खेलने के बाद ना माइंड थोड़ा काम नहीं करता है, जल्दी मार देता हूँ ऐसा टाइप का सोच आता है। बाकी मैं एक बार ना इतना कम एचपी हुआ तो मैं समझ गया भाई अब ध्यान से फाइट करना है। अब ना देखो लॉन्ग रेंज से ना कोई भी बंदा ऐसे फायर करते रहेगा, दोनों फाइट करेंगे कोई भी मर सकता है, लेकिन असली गेम प्ले तो क्लोज रेंज में पता चलता है। अब मैं जल्दी से पास में आ गया और एक ग्रेनेड कुक किया और यहाँ पे मैं फेंका, लेकिन बंदा था नहीं तो डैमेज आया नहीं और अंदर गया भी नहीं यार। अब मेरे को फुटस्टेप आया कि बंदा बाहर के साइड है, सही था गाइस यहाँ पे ग्लोल लगा लेता है। अब ग्लोल कैर पर इसको डैमेज दे के सीधा रश करके मार दिया, डाउन कर दिया। लेकिन यार मेरे को ना ये छोटा वाला लॉन्चर से ना मेरे को लेना था टाइटल का, मतलब वेपन टाइटल ग्लोरी, तो यार इसको मैं रिवाइव होने दिया एंड थोड़ा बहुत डैमेज दिया। अब मेरे पास ना 2 और गोली बचा था तो मैं यहाँ पे मार दिया, एक ही गोली बचा था गाइस और वो भी वेस्ट हो गया। अब क्या ही करे, गोली ही नहीं था तो यार मेरे को इसमें ग्लोरी तो मिलने वाला नहीं था। अब बुया भी मिस करना नहीं था इसलिए मैं इसको MP40 से ही फिनिश कर देता हूँ और इसी के साथ तुम्हारा भाई का पहला मैच बुया हो जाता है। इसमें 27 का प्लस होता है। ये मैच गाइस क्या ही ज्यादा खतरनाक गया है, देखो मेरे को कितना ज्यादा ढूंढने के बाद मिला था M10 एंड यहाँ पे एक बंदा होता सामने में और घर के ऊपर भी एक बंदा है। अब ये बंदा ग्रेनेड फेंके जा रहा था तो मैं बाहर निकलता हूँ और ये जैसे ही हेड दिखाता है इसको हेडशॉट मार के बॉडी शॉट फिनिश करता हूँ। तभी और एक बंदा थरपाटी करता है लेफ्ट से, जल्दी से मैं घर के अंदर आया। अब ऊपर में भी बंदा है, साइड में आगे पीछे 4 ड्रॉप बंदे थे। मैं मेडिकिट करता हूँ यहाँ पे, रिपेयर किट करता हूँ, सामने नीचे और एक बंदा था। अब यहाँ पे एक लॉन्चर फेंका भाई और इसको बॉडी थोड़ा बहुत डैमेज दिया। एंड इधर के साइड जैसे आता ना M10 से 2 गोली मारता हूँ लेकिन बच के निकल जाता है। अब मैं इसके पीछे जाके इसको मार सकता था लेकिन यार लास्ट जोन हो चुका है, अभी कहीं से भी थरपाटी हो सकता है, तो यार अपना माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके खेलना पड़ेगा। तो मैं पीछे का पोजीशन लिया, अब इधर के साइड आएगा तो मैं थरपाटी करूंगा सो जाता, और वो बंदी आती भी है इधर भाई, लेकिन यार मेरा गोली रिकॉइल हो जाता। क्या हो रहा ना, मेरा फोन थोड़ा हीट हो गया था खेलते खेलते, गेम बहुत ज्यादा खेल लिया था तो इसीलिए थोड़ा रिकॉइल हो गया। जब भी मेरा फोन हीट होता है ना तब भाई मेरा रिकॉइल हो जाता है। अब वहां से मैं निकल के इधर के साइड आ गया, अगर मैं अभी भी वहीं पे होता तो भाई मैं मर चुका होता। देखो कितने बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, यहाँ से मैं आराम से भाई ग्लोल तोड़ तोड़ के थरपाटी कर रहा था दोनों के ऊपर।
एंड ग्लोल फोड़ देता हूँ इनका और एक किल भी मेरे को मिल जाता है। अब यहाँ पे जितने बंदे थे ना सब साया से मर चुके थे, कोई भी वहाँ पे बचे नहीं थे। अब बस ना तीन बंदे अलाइव थे, मेरे को छोड़ के दो बंदे थे, तो उसका मेरे को इजीली फूड स्टे आ रहा था कि घर के अंदर है। अब एयरबर्ड लगाता हूँ तो भाई मेरे को बहुत दूर से आता है। अब इसको भाई मैं डैमेज था तो जल्दी से आके मार देता हूँ, शायद किसी के साथ जस्ट फाइट किया था। अब वो बस एक ही बंदा बच रहा था जो कि 1v1 सिचुएशन था, मेरे पास सब कुछ रेडी था। M10 बस यार मेरा एक लेवल का चिप लगा हुआ था तो यहाँ पे चिप भी मेरे को मिल जाता है और तीन लेवल भी हो जाता है। अब वो गाइस देखो 1v1 सिचुएशन में बस मेरे को निकालना था। अब मेरे को ये बंदा को ना M10 में ही फिनिश करना था, क्योंकि भाई M10 में ज्यादा किल नहीं किया था शायद से मैं, तो ड्रोन छोड़ा, बंदा का लोकेशन पहले तो दिखा नहीं, उसके बाद इसका लोकेशन भी दिख गया। अब गेट के पास था तो मैं सोचा एक ग्रेनेड कुक करता हूँ और ग्रेनेड कुक करने लगा। अब ग्रेनेड कुक करके जैसे ही फेंकता हूँ ना ये बंदा वहाँ से निकल जाता है और मेरा ग्रेनेड थोड़ा आगे चला जाता है। अब सीधा मैं उसके ऊपर रश करता हूँ, M10 से दो गोली मारा, बंदा फिनिश हो जाता है। और कितना मुश्किल से भाई दिमाग लगाने के बाद ये मैच बुया होता है, इसमें भी अच्छा खासा प्लस हो जाता है। ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक जाता है। देखो लास्ट जोन पे 11 बंदे अलाइव थे और जस्ट एक बंदा ऊपर था, मैं मुंह पे रश कर देता हूँ और इसने अच्छा खासा मेरे को डैमेज कर देता है, लेकिन मैं भी इसको दो गोली मारता हूँ और मेरा गोली रिकॉइल हो जाता है। अब ग्लोल जल्दी से लगाता हूँ, मेरा HP बहुत ज्यादा कम हो गया था यहाँ पे, और दो चार और ग्लोल लगा लेता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा ताकि वो ग्रेनेड फेंके तो ना आए। और मैं यहाँ पे अपना SP रिकवर करके भाई रिपेयर किट कर लेता हूँ, और रिपेयर किट करने के बाद ना वो बंदा देखो ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंकने लगता है। अब मैं सोचा कि भाई बंदा घर के अंदर आके भी मेरे ग्लोल के अंदर भी फेंक सकता है ग्रेनेड, इसलिए मैं ग्लोल फोड़ने लगा और ये ग्लोल टूटने के बाद भाई और ग्रेनेड फेंक दिया, तो मैं इसको नहीं फोड़ा और वेट किया। जैसे ही उसका ग्लोल टूटेगा मैं इसको तोड़ दूंगा सो रहा था, और इसको तोड़ता हूँ। अब मेरे को बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता भाई इधर भी, तो एक ही मौका था मेरे को इधर से उछल के जाना। उछल के जा रहा था तभी बंदा ग्लोल लगा लेता है। अब मैं सोचा भाई चलो यार पीछे से जाते हैं, इसको थरपाटी करेंगे आराम से दिमाग लगा के। इधर के साइड भी ग्लोल लगा लेता है। अब और एक बस मौका था गाइस मेरे को ऊपर से जाने का। अब उसको दो ही रास्ता पता था लेकिन मेरे को तीन रास्ता पता है। अब इधर से मैं घुस के भाई इसको बॉडी बॉडी शॉट मार के फिनिश करता हूँ। अब भाई ये बंदा सोनिया बना था, अगर मैं क्लोज में घुसा होता और मेरे को अगर उसने डैमेज दिया होता तो मैं इसको मारा होता तब भी सोनिया बन जाता। अब और एक लड़की का फुट स्टेप आता है कैसे यहाँ पे और सीधा मुंह पे ये भी रस करती है। इसको अच्छा खासा डैमेज दिया लेकिन ग्लोल लगा लिया। अब चलो भाई ग्लोल लगा लिया सही है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लूट कर लेता हूँ इसका। और लूट वगैरह करने के बाद इसका ग्लोल मैं यहाँ पे फोड़ने लगता हूँ, और ग्लोल इसका ना बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि मैं वो वाला लगा के रखा हूँ। अब ये बंदी सीधा नीचे गिर जाती है। अब इसके पास SMG का कोई गन था शायद से, तो मेरे को डर नहीं लग रहा था, मेरे पास M10 था, एक बार बस पकड़ में आ जाए, मेरे हाथ में आ जाए तो भाई इसको इजीली मार दूंगा दो चार गोले में। ये बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही थी और ग्रेनेड भी फेंक रही थी, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। अब भाई ऊपर जाने का टाइम आ चुका था और जैसे ही वो दिखेगी दो गोली मारूंगा, बंदी मर जाएगी सो जाता। और यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ, बंदी उछल कूद मूवमेंट करते हुए आती है, इसको भाई खड़ा होकर दो गोली मारा मर जाती है, क्या फायदा भाई ऐसा मूवमेंट का। अभी देखो मेरा 5 किल हो चुका था, यहाँ पे दो बंदे फाइट करके एक बंदा मर चुका था, एक बंदा बचा हुआ था। इसको भाई देखो मैं यहाँ पे मारने के लिए आया और मैं भाई 5 HP पे बचता हूँ, मतलब 5 भाई मैं अभी मर ही गया होता अगर EP वाला कैरेक्टर नहीं होता तो। यार ठेंग और बच गया भाई मैं 5 HP पे, मेरा बुया मिस हो ही गया होता। अब यहाँ से देखो मोस्टर ट्रक लेके एक बंदा आ रहा था, इसका गाड़ी मैं यहाँ पे फोड़ देता हूँ। बंदा जैसे ही उतरता है इसको अच्छा खासा मैं डैमेज कर देता हूँ भाई। अब ग्लोल लगा लिया तो इसका ग्लोल फोड़ा, ये बंदा मेरे साइड ही आ रहा था। अब देखो यार सोनिया दिमित्री लगा लेता ये बंदा, और मैं इसका ग्लोल भी फोड़ा लेकिन भाई ये बहुत सारा ग्लोल लगा के डाउन हुआ था तो इसका ग्लोल टूट ही नहीं रहा था भाई। अब लास्ट में जाके पेड़ के पीछे इसको मारा। अब 1v1 सिचुएशन हो चुका था और मेरा 7 किल हो गए थे। गाइस आप लोग एक चीज नोटिस करना कि लास्ट में मेरा ना 3 किल था, अभी उस 5 किल में लास्ट जोन पे ही निकाला हूँ। अब यहाँ पे मैं ड्रोन छोड़ता हूँ एक थो और बंदा का लोकेशन मेरे को पता चलता है जो कि नीचे के साइड था। अब भाई देखो आप लोगों को हंसी आएगा, मैं आगे आता हूँ और यहाँ पे एक ग्लोल लगा लेता हूँ। सबसे पहले ना मैं देखता हूँ उसका लोकेशन, फिर ग्लोल लगाता हूँ। अब वो बंदा को यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वेट करता हूँ, 1 से 2 मिनट तक वेट करता हूँ तब भी नहीं निकलता है, लास्ट में जाके फायर करता है। इसका लोकेशन मेरे को पता होता तो मैं रश कर दिया होता, अभी मेरे को इसका लोकेशन पता चल चुका था तो एक तो ये वाला फेंक दिया, उसके बाद मैं क्लोज रेंज में रश किया। एंड भाई ये बंदा का लोकेशन पता चल चुका था मेरे को तो मैं यहाँ पे रिपेयर किट किया और ग्रेनेड कुक करने लगा, और ग्रेनेड कुक करके फेंकूंगा, अच्छा सा डैमेज करूंगा, इसका बेस्ट को डैमेज करना था। लेकिन ये हुकुम बन के कब आ जाता पता ही नहीं चलता, इसको अच्छा खासा डैमेज तो पड़ गया था। और इसका कैरेक्टर के अंदर घुस के इसको मार देता हूँ
और ये मैच भी हमारा बुया हो जाता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मैच बुया हो गया, बाकी कुछ भी करके हो गया। इसमें 27 का प्लस होता है। इसमें देखो गाइस लास्ट जोन हो चुका था, अभी तक मेरे को ना M10 नहीं मिला था, तो ये बंदा जो ग्लोल लगाया है ना इसके पास M10 था, मैं देख लिया था। तो इसको कुछ भी करके ना जल्दी से जल्दी मारना था ताकि मेरे को M10 मिल जाए भाई। अब ये क्लोज रेंज में आते जा रहा था, मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के रख रहा था क्योंकि क्लोज में M10 दो चार गोली मारेगा मैं मर जाऊंगा, अब उतना तो पता ही है भाई। अब इसको मार रहा था तभी थर्ड पार्टी हो जाता है और बेचारा मर जाता है। अब दूसरा बंदा इधर के साइड था ऊपर में, उसको मैं देख लेता हूँ। अब उसको मारने के बाद ना मैं M10 लूटने जा सकता था, तो ये जैसे ही कवर छोटा इसको हेडशॉट मार दिया। अब भाई जल्दी से मैं M10 लूटने के लिए आता हूँ, मेडिकेट पहले कर लेता हूँ ताकि कोई थर्ड पार्टी ना कर ले। बड़ा वाला मेडिकेट करता हूँ, बेस रिपेयर कर लेता हूँ भाई मैं यहाँ पे, और जल्दी से यहाँ पे आके लूट करता हूँ। फाइनली मेरे को M10 मिल जाता है, लेकिन यार अभी दो बंदे बस बच रहे थे, उतना टाइटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हेडशॉट मारूंगा तो मिल सकता था। और देखते हैं दोनों को अगर मैं मार दिया तो भाई मेरे को मिल सकता था। अब मैं जोन आने लगा था, जोन में जाने लगा था तो मेरे को गाड़ी का साउंड आता है, तभी मैं इधर के साइड आ जाता हूँ और बंदा मेरे पास से ही गुजरता है। इसका गाड़ी मैं फोड़ने की कोशिश किया, और अगर मैं इसका गाड़ी फोड़ भी दिया होता तब भी भाई बंदा यहाँ पे रुक जाता। और देखो जोन तो आगे के साइड है, तो दोनों फंस के फाइट करते, थर्ड पार्टी कर देता दूसरा बंदा आके, इसलिए मैं इसका गाड़ी नहीं फोड़ा, बस थोड़ा बहुत डैमेज दिया, उसको दूर जाने दिया। अब दूर जैसे ही जाता है भाई इसका गाड़ी फोड़ देता हूँ। अब देखो ये बंदा गाड़ी से उतर जाता है, तो इसको मैं थोड़ा क्लोज में आके अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन डैमेज ज़्यादा लगा नहीं। अब थोड़ा और ज़्यादा पास आया रोटेशन मार के इधर के साइड, अब वो बंदा थोड़ा कवर छोड़ा, तो इसको देखो कितना ज़्यादा डैमेज दिया मैं, उसने भी मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन उसने मेरे को बॉडी शॉट में इतना डैमेज दे दिया, मैंने उसको हेडशॉट मारा तो कितना डैमेज होगा सोचो। अब मैं जल्दी से यहाँ पे बेस रिपेयर करता हूँ, और भाई मैं सोचा ना यहाँ पे मेरे पास एक लॉन्चर था, तो लॉन्चर लगा के ना आगे चलता हूँ क्योंकि जोन बहुत दूर में बन गया था। अब मैं जोन पे यहाँ पे जैसे ही लैंड करता हूँ भाई, बंदा भी जोन में आते हुए दिख जाता है, इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन यार ये बंदा ग्लोल लगा लेता है। अब इसका बचने का कोई भी चांस नहीं था क्योंकि भाई मैं एक जोन के अंदर था, वो बंदा बाहर था, वो आएगा ही आएगा, इसलिए मैं इसका ग्लोल फोड़ने लगता हूँ। और अभी के टाइम पे ना गरेना वाला बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि लिमिटेड ग्लोल देता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ग्लोल फोड़ने का सिस्टम बढ़ा चुका है, मतलब कितना सारा चीज़ आ चुका है हम लोग ग्लोल फोड़ सकते हैं, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। पहले के टाइम पे देखो अनलिमिटेड ग्लोल भाई, अब मतलब अंदाजा ही नहीं होता था कि सामने वाला के पास कितना ग्लोल हो सकता है। बाकी सामने में दो बंदे फाइट करना स्टार्ट कर चुके थे, तो मैं पीछे से जाता हूँ और ये बंदा को देखो M10 से मैं मारता हूँ, दूर से भी मार सकता था लेकिन M10 का ग्लोरी मेरे को नहीं मिला था, इसलिए इसको मारना पड़ा। अब सामने में बस एक ही बंदा बच रहा था, अब ये बंदा भी मेरे ऊपर हमला कर देता है भाई, हमला क्या बोलते भाई उसको, जो ही बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका ग्लोल फोड़ा, अच्छा खासा डैमेज दिया, ये बंदा फिर से ग्लोल लगाया तो भागने लगा था। ये अगर घर के अंदर भाग गया होता तो शायद से मैं इसको इतना इजीली नहीं मार पाता, लेकिन ये ग्लोल लगाया जा रहा था, अब मैं इसका ग्लोल फोड़े जा रहा था। ऐसा सिचुएशन हो ना भाई ग्लोल फोड़ो बंदों का, बंदा पैनिक होके भाई खुद ही मर जाएंगे, उनका दिमाग काम नहीं करेगा। अब देखो मैं कितना सारा जो जो है सब फेंकने लगा, लास्ट में जाके मैं अपना ग्रेनेड भी फेंकने लगता हूँ। अब ग्रेनेड फेंका और ग्लोल लगाया तो बंदा भाई मेरा ग्रेनेड से ही मर जाता है, और ये मैच भी हमारा बुया हो जाता है। अभी धीरे धीरे रीजन लगाने के लिए हमारा स्कोर भी बढ़ रहा था। ये मैच पे गए नेक्स्ट्रा मैप आया था, और आपको पता ही है नेक्स्ट्रा मैप मेरा फेवरेट है अभी के टाइम पे, और इसमें मैं ज्यादा किल करता हूँ, तो मेरा 7 किल हो चुका था। जस्ट एक बंदा आगे से आ रहा था मोटर ट्रक लेके, M40 पकड़ा था तो इसका मोटर ट्रक फोड़ने की कोशिश किया, जैसे क्लोज में आता है इसका गाड़ी टूट भी जाता है। अब मेरे पास तो M10 नहीं था, MP40 से मैं ज्यादा ट्रैक किया, यार मेरा गोली रिकॉइल हो जाता है और वो मेरे को अच्छा खासा डैमेज कर देता है। अब मैं जल्दी से बैक पोजीशन लेता हूँ, थोड़ा पीछे हटता हूँ और एक ग्लोल लगाता हूँ, बंदा सीधा सीधा आता है, इसको पूरा भाई यहाँ पे रेड नंबर मारता हूँ, क्योंकि यार देखो MP40 पकड़ोगे ना बॉडी शॉट मजा नहीं आता भाई, इसलिए हेडशॉट मारने में ज्यादा ध्यान देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो एक बंदा को डैमेज दिया, ये तो कवर में आ गया, दूसरा बंदा को डैमेज कर रहा था लेकिन किल चोरी हो जाता है। अब घर वाला बंदा को तो मैं मार देता हूँ, अभी भाई देखो 7 बंदे अलाइव थे और कहाँ कहाँ पे थे किसी का लोकेशन मेरे को पता नहीं था, तो मैं इधर के साइड आया, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था भाई, इसको हेडशॉट मारा, सोनिया बन गया, और सोनिया बनने के बाद भाई भागने लगा। अब उसको मारने के बाद ना यहाँ पे मैं उसका लूट वगैरह अच्छा खासा कर लिया, और मेरा 10 किल यहाँ पे हो चुके थे, अभी भी 4 बंदे अलाइव थे। तो मैं यहाँ पे एक ड्रोन छोड़ता हूँ, आगे के साइड फाइट हो रहा था, तो जल्दी से मैं आगे के साइड बढ़ने लगता हूँ, और यहाँ पे 2 बंदे फाइट कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि दोनों में से किसी को, मतलब दोनों को ही मारूंगा, लेकिन एक बंदा मर चुका था तो एक ही बंदा यहाँ पे बस बचा था। तो मैं जल्दी से आता हूँ, और बंदा इधर था तो मैं इधर से निकलता हूँ, ये अच्छा बंदा था गाइस, इसको अच्छा खासा डैमेज दिया, ग्लोल लगाया, मूवमेंट दिखाया और फिनिश कर दिया। तो यार देखो मेरा यहाँ पे 11 किल हो चुका था,
अभी भी बस एक बंदा जिंदा था और ये घर के अंदर था, मेरे को इसका फुट स्टेप आ गया था और शायद से इसने फायर भी किया था। तो मैं जल्दी से इधर के साइड आया एंड ग्लो लेक्टर लगाया, क्लोजर में घुसा और इसको भाई हेडशॉट मारा, लेकिन मरा नहीं कैसे मैं सोच रहा था। शायद से इसका एक्स्ट्रा एचपी था, शायद शील्ड पॉइंट था। अब मैं सोचा भाई इसको तो ये लॉन्चर मिनी लॉन्चर से मारूंगा, लेकिन उसमें भी नहीं मरता तो यार इधर आ जाता हूँ। अब ग्लोल लगता हूँ, उसका गोली भी खत्म हो चुका था भाई, गोली यार क्या बोलते हैं। अब इसके ऊपर मैं ग्रेनेड करने लगता हूँ और ग्रेनेड का टाइटल वगैरह मिलता तो कितना अच्छा लगता भाई, ग्रेनेड में टोपान कर लेता मैं इंडिया में। अब फाइनली ये मैच तुम्हारा भाई का बुआ हो जाता है, इसमें 28 का प्लस होता है। तो यार चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।